we are supposed to see the next topic in thermodynamics, that is process. Very important topic. Let me define this. It is the path by which a system changes from one state to another state. Here state means the initial state to final state. ऐसे भी या state का मतलब physical state भी हो सकता है, solid to liquid, liquid to gas. And these are all processes. If you just see, if I may say, solid to liquid, liquid to gas. Now these are all endothermic processes. ना heat यहाँ पे absorb हुआ, heat मतलब कि liquid heat absorb करेगा तो gas. अब गैस हीट इवॉल्व करेगा तो लिक्विड मिलेगा, लिक्विड में से हीट इवॉल्व होगा वो सॉलिड मिलेगा. ये जो क्यू लिख रहा हूं दैट इज हीट. सॉलिड टू लिक्विड मतलब मेल्टिंग हो गया, लिक्विड टू गैस मतलब वेपराइजेशन हो गया, या गैस टू लिक्विड यानी कंडेंसेशन, लिक्विड टू सॉलिड यानी फ्रीजिंग. ये सारे प्रोसेसेस के मैं नाम ले रहा हूं. इसमें ये इनिशियल स्टेट है तो ये फाइनल स्टेट ऐसा है. तो इसके बीच में जो होता है वो प्रोसेस है जिनके मैंने नाम लिए. तो दैट इज प्रोसेस, इट इज अ पार्ट बाय विच द सिस्टम चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट. लेकिन थर्मोडायनेमिक्स इज ओनली इंटरेस्टेड इन द स्टेट, द इनिशियल स्टेट एंड द फाइनल स्टेट, नॉट द पाथ. दैट इज व्हाट वी हैव सीन. द प्रोसेसेस, देयर आर एज मेनी एज 7 प्रोसेसेस व्हिच वी आर गोइंग टू लर्न. व्हिच आर दोस 7 प्रोसेसेस? मेनली वी हैव फर्स्ट प्रोसेस. It is going to be adiabatic process. Isothermal process. Then we have reversible process. The fourth one is irreversible process. Fifth one, we have isochoric process. Sixth one, isobaric process. And the seventh one is cyclic process. So these are the main 7 processes. I'll start with these two. Now we will learn adiabatic process and isothermal process by comparing them with each other. Like we'll see the distinguish between isothermal process and adiabatic process. Then we'll see the distinguish between reversible and irreversible process. Okay? Let us learn the distinguish between isothermal process, short form diagram, isothermal process and adiabatic process. I write down the symbols here for isothermal process. Delta T is equal to 0. ये याद रखना चाहिए. Delta U is equal to 0. इसमें third point Q is equal to 0. ये mainly आपको याद रखना चाहिए. फिर यहाँ पे delta H is equal to 0 provided pressure should not be constant. ये condition है. तो ये चार main points हैं. इसका उल्टा इधर आएगा. Delta T not equal to 0, Delta U not equal to 0, यहाँ पे आएगा third point उल्टा Q not equal to 0, जैसे whereas fourth point Delta H not equal to 0, इस तरीके से याद रखो. तो क्या क्या 0 है याद रखना, Delta T, Delta U और Delta H 0 है isothermal process के लिए, लेकिन इसको condition है, जबकि adiabatic में सिर्फ ये 0 है, उसका उल्टा दूसरी तरफ लिखना है. अब इसका मतलब क्या होता है, डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो मतलब चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू जीरो मीन्स टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, करेक्ट ना, ऐसा स्टेटमेंट आएगा. वेयर एज टेम्परेचर कीप्स ऑन चेंजिंग,
टेम्परेचर वेरीज और चेंजेस, ये इसका मतलब है। करेक्ट, मैसेज स्टेटमेंट आप लोग बना सकते हैं। फिर इसका स्टेटमेंट क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू जीरो मीन्स इंटरनल एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, इंटरनल एनर्जी कीप्स ऑन चेंजिंग, है ना। ये बेसिकली इसका डेफिनेशन है, दिस इज द डेफिनेशन, जबकि ये इसका डेफिनेशन है, एडियाबेटिक प्रोसेस का डेफिनेशन। क्यू इज इक्वल टू जीरो, डेफिनेशन क्या है मैं आपको लिख के देता हूँ। एडियाबेटिक का डेफिनेशन क्यू इज इक्वल टू जीरो मतलब क्या, वो समझा रहा हूँ फिलहाल। अभी ये फोर्थ पॉइंट हटा देता हूँ, राइट, यहाँ पे डेफिनेशन लिखता हूँ। क्यू इज इक्वल टू जीरो, क्यू मतलब हीट, इज इक्वल टू जीरो मतलब सिस्टम, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, डज नॉट एक्सचेंज हीट विथ द सराउंडिंग, ऐसे ये इसका डेफिनेशन है क्यू इज इक्वल टू जीरो का। तो यहां पे एग्जैक्टली उसका उल्टा है, ऐसा सिस्टम कैन एक्सचेंज हीट विथ द सराउंडिंग, इट इज अलाउड। यहां पे हीट का गिव एंड टेक इज अलाउड, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, यहां पे हीट का गिव एंड टेक इज नॉट अलाउड, ये इसका मतलब है। ये डिस्टिंग्विश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत सारा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो इससे ही मैं आपको देने वाला हूँ, जो आप एंट्रेंस के लिए यूज करेंगे, थोड़ा सा सिनॉप्सिस, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। ये जो फर्स्ट दो पॉइंट्स है इससे मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, देखो सिंस डेल्टा टी जीरो देयरफॉर डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो होता है, ये सिंस एंड देयरफॉर है, मतलब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा तो इंटरनल एनर्जी भी कॉन्स्टेंट रहता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। और यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट नहीं है, इसके लिए मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ जिसको मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, दैट इंटरनल एनर्जी यू जो है इसको कहते हैं इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, मतलब इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर की मर्जी से चलता है। अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, कैन यू सी दैट, तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट है, और टेम्परेचर जब चेंज हो रहा है डेल्टा टी नॉट इक्वल टू जीरो तो इंटरनल एनर्जी भी जीरो हो रहा है। ये टेम्परेचर की मर्जी से इंटरनल एनर्जी चलता है, मतलब क्या वो थोड़ा मैं आपको समझाता हूँ कि टेम्परेचर बदला तो इंटरनल एनर्जी बदलता है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखेंगे तो इंटरनल एनर्जी नहीं बदलता है। समझने के लिए पहले इंटरनल एनर्जी क्या होता है वो थोड़ा सा शॉर्टकट में आपको समझाता हूँ, और फिर हम लोग इस स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे कि इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। मैं आपको एक अपना डे टू डे लाइफ का एक्सपीरियंस देता हूँ, और दूसरा मैथ से मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन केयरफुली। अच्छा, इंटरनल एनर्जी ये जो यू मैंने कहा इसको कहते हैं इंटरनल एनर्जी, थोड़ा सा समझ लेते हैं, अलग से टॉपिक है, आधा घंटा लगेगा समझाने को, लेकिन थोड़ा सा समझाता हूँ, है ना। साइंटिस्ट लोगों ने इतना परफेक्ट नाम दिया है इंटरनल एनर्जी, दो वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में, एक होता है इंटरनल, दूसरा होता है एक्सटर्नल, करेक्ट और नॉट। अब आप जानते हैं जो चीज इंटरनल है वो एट द सेम टाइम एक्सटर्नल नहीं हो सकता, या जो एक्सटर्नल है वो एट द सेम टाइम इंटरनल नहीं हो सकता, है ना। समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, सपोज क्लासरूम के अंदर टीचर और स्टूडेंट है, तो देर आर दोज आर इंटरनल पीपल फॉर दैट क्लासरूम, करेक्ट ना, देखे ना, एक्सटर्नल एट द सेम टाइम। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जस्ट सी, अपनी बॉडी के लिए, है ना, ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, व्हाट इज इंटरनल एनर्जी, इट इज रिलेटेड टू आर इंटरनल फैक्टर्स लाइक मास, है ना। मास अपना खुद का प्रॉपर्टी है जो हमारे एग्जिस्टेंस से ही हमारे साथ जुड़ा है, जब हम पैदा हुए तब हमें जो मास था वो हमारा खुद का प्रॉपर्टी, वो एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है, करेक्ट ना। जैसे एक्सटर्नल फैक्टर क्या क्या हो सकता है, हम लोग एनर्जी एक्सटर्नल एनर्जी की बात करेंगे तो सोलर एनर्जी हो गया जो बाहर से हम लोग लेते हैं, या विंड एनर्जी हो गया, या फूड द सोर्स ऑफ एनर्जी जिससे एनर्जी मिलता है, लेकिन ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स है। लेकिन इंटरनल एनर्जी में क्या आता है, बेसिकली हमारे मास से रिलेटेड एनर्जी। मास से रिलेटेड एनर्जी मतलब क्या, इट हैज टू बी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, करेक्ट और नॉट। पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या होता है, एम जी एच, इसमें मास आया कि नहीं, और ये क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ऐसे एम, ये मास अपना खुद का प्रॉपर्टी
है ना, मतलब इसके लिए उसको इन दोनों को ऐड करेंगे तो इंटरनल एनर्जी बनता है। आर यू गेटिंग इट अराउंड? ओके, इंसान इंटरनल एनर्जी को महसूस कर सकता है क्या, ये क्वेश्चन है। एंड द आंसर इज ऑब्वियसली नो। हम इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर इसको महसूस नहीं कर सकते हैं। तो फिर हम क्या महसूस करते हैं, है ना? वी कैन फील द चेंज इन टेम्परेचर, वी कैन फील द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। समझ में फर्क पड़ता है, टेम्परेचर में होने वाला बदल समझ में आता है, टेम्परेचर नहीं समझ में आता है। वैसे इंटरनल एनर्जी का भी, इंटरनल एनर्जी में होने वाला चेंज समझ में आता है। कैसे, मैं आपको बता दूं। जैसे मैंने कहा इंटरनल एनर्जी में मेन फैक्टर MgH है, है ना, उसमें M मतलब मास है। अगर इंसान का मैं आपको एग्जांपल लूं, सपोज किसी इंसान को मैंने कह दिया कि उसको 8 घंटे लगातार एक जगह खड़ा रहना है, सोच के भी थकान महसूस हो जाए, करेक्ट ना, आदमी थक जाएगा। ये जो थक जाएगा या तो फ्रेश लग रहा है, ये बोलना है मतलब डेल्टा यू है। डेल्टा यू मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी इंसान महसूस करता है, थकान महसूस होती है। मैंने सपोज उस आदमी को बोला कि 8 घंटे आपको खड़ा नहीं रहना है, 8 घंटे बैठना है, तो दैट इज थोड़ा रिलैक्स, मतलब बेरेबल है। खड़े रहने से आदमी ज्यादा थक जाएगा, लेकिन बैठेगा तो थकेगा जरूर, लेकिन उतना नहीं थकेगा जितना बैठे। हम लोग कितनी बार हमारे गांव जाते हैं या कई लोग इंटरनेशनली ट्रेवल करते हैं तो घंटों तक एक जगह बैठना पड़ता है, तो बाद में थकान महसूस होती है, लेकिन एज कंपेयर टू खड़े रहने से तो ईजी है, बेरेबल है, है ना। और सपोज मान लो मैंने ऐसा कहा कि आपको, कि आपको 8 घंटा लगातार सोना है, तो ऑब्वियसली पहला आपका रिएक्शन ये होगा बस 8 घंटा ही सोना है, जस्ट किडिंग, है ना। लेकिन ये तो नहीं होगा कि 8 घंटे आप सो रहे हैं और उठ के ऐसा बोल रहे हैं सो सो के थक गया, ऐसा तो नहीं होगा, करेक्ट ना। अभी खड़े रहे तो ज्यादा थके, बैठे तो थोड़ा कम थके, और सो गए तो बिना बिल्कुल नहीं थके। इसका रिलेशन सीधा पोटेंशियल एनर्जी से, कैसे, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं। ओके, ऐसा मान लो कि ये ग्राउंड है, यू नो जस्ट सी केयरफुली, और एक आदमी यहां पे खड़ा है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसका स्टमक सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वेयर होल मास ऑफ द बॉडी सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। तो ये जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेके ये, दिस इज एच, MgH का एच, ये जो MgH में एच आता है, एम मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, जो आदमी का स्टमक है वो खड़ा है, तो एच इतना ज्यादा है, तो कंजम्पशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, करेक्ट और नॉट? एम और जी तो कॉन्स्टेंट है, हटा देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, मतलब क्या, जितना ज्यादा एच उतना कंजम्पशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा। तब मान लो वही आदमी चेयर के ऊपर बैठा है, सपोज ये चेयर है, वो आदमी बैठा है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सपोज और नीचे आ गया बैठने के बाद, करेक्ट ना, तो ये जो डिस्टेंस है दैट विल बी एच। अभी एच छोटा हो गया तो कंजम्पशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी भी कम हो गया। अब आदमी अगर सो गया है, सपोज यही वो आदमी है, है ना, वो अगर सो गया है तो अभी एच ऑलमोस्ट जीरो ही हो गया ना, है ना, वो तो उसको तो केस होगा, वो तो आपको दिखाई दे, इसके लिए इतना डिस्टेंस दिखा रहा हूँ, लेकिन वही अर्थ, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और अर्थ में डिस्टेंस ही नहीं रहेगा, तो कंजम्पशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा ही नहीं। आर यू गेटिंग इट अराउंड, है ना? तो ऑब्वियसली थकान महसूस होना यही डेल्टा यू है, जो पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड है। कैसे, मैंने आपको बताया इंटरनल एनर्जी। अब ये डेल्टा यू जो है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, है ना, वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, डेल्टा टी पे, कैसे, वो भी मैं आपको बताता हूं। अब टेम्परेचर बदलने पे इंटरनल एनर्जी में चेंज कैसे होता है, एक तो एग्जाम्पल देता हूं। मान लो दोपहर के 12 बजे कड़क धूप में आप रस्ते पे चल रहे हैं, सो यू आर परफॉर्मिंग वर्क, जहां पे टेम्परेचर वेरी हो रहा है, चेंज हो रहा है, आपको बहुत थकान महसूस हो रही है, मतलब डेल्टा यू चेंज हो रहा है। लेकिन वही है ना, दोपहर के 12 बजे कड़क धूप है, लेकिन आप एयर कंडीशन मॉल में चल रहे हैं, है ना, तो ऑब्वियसली वहां पे डेल्टा टी ऑलमोस्ट जीरो है, तो डेल्टा यू भी जरूर उतनी थकान महसूस नहीं होगी जितना रस्ते में, रस्ते पे कुछ मीटर्स चलने के बाद यू विल बी डाउन एंड आउट। लेकिन वही मॉल में कितने घंटों तक आप देखते हैं, हमको दिया आजू बाजू के लोग, है ना, एक ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, बड़े बड़े मॉल चलते ही रहते हैं, लेकिन थकते नहीं है, कंपैरेटिवली कम थकते हैं, तो डेल्टा यू तभी जीरो होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जब डेल्टा टी जीरो होता है। आप जानते हैं मॉल के अंदर एयर कंडीशन, पावरफुल एयर कंडीशन होता है, डेल्टा टी जीरो रखने की कोशिश करते हैं ताकि ज्यादा देर तक आप मॉल में रहे, है ना, तभी तो उनका फायदा हो, करेक्ट ना, दे आर यूजिंग थर्मोडायनामिक्स,
नेक्स्ट टाइम जब मॉल में जाना तो याद रखना दिस इज थर्मोडायनामिक्स, दे आर स्मार्ट, करेक्ट हुआ। एनीवेज ये तो अपना अनुभव हुआ। दूसरा मैं मैथ्स से आपको प्रूव करके दिखाता हूँ हाउ इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। मैथ्स की भाषा जिनको समझते हैं है ना, हम लोग कैसा ऐसा लिखते हैं कि ये ऐसा लिखते हैं वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स है ना, इफ वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स देन यू नो वॉट इज डी बाई एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स विल बी डी वाई बाई डी एक्स, करेक्ट और नॉट, यू शुड नो दिस। नाउ हाउ डू यू रीड दिस, when y is a function of x, we can differentiate y with respect to x. We are differentiating y with respect to x, and we are differentiating y with respect to x only when y is a function of x. ऐसे ही हो सकता है, है ना? अब किरचॉफ्स का एक इक्वेशन है, किरचॉफ्स इक्वेशन या किरचॉफ का डेफिनेशन है इक्वेशन CV के लिए, हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। हीट कैपेसिटी मैं बता चुका हूं क्या होता है। हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज डी यू बाई डी टी, ऐसे आता है। दिस इज इंटरनल, दिस इज टेम्परेचर, दैट मीन्स वॉट है ना, वी आर डिफरेंशिएटिंग यू विथ रिस्पेक्ट टू टी टेम्परेचर, वी आर डिफरेंशिएटिंग इंटरनल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इज पॉसिबल ओनली वेन यू इज अ फंक्शन ऑफ टी, हेंस प्रूव्ड दैट यू इज अ फंक्शन ऑफ टी मैथमेटिकली दिस टाइम। ओके नाउ लेट अस डू वन ऑब्जर्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है इधर, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, और थर्ड स्टेटमेंट क्या है, सिस्टम कैन एक्सचेंज हीट विद द सराउंडिंग, मतलब हीट फ्लो है ना, सिस्टम टू सराउंडिंग या सराउंडिंग टू सिस्टम फ्लो इज अलाउड। नाउ इजंट इट कॉन्ट्राडिक्टरी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हीट, इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो हीट फ्लो है कि नहीं, मतलब टेम्परेचर में फर्क होना चाहिए, टेम्परेचर शुड नॉट बी कॉन्स्टेंट, यहाँ पे टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो ये कॉन्ट्राडिक्शन लगता है। अपरेंटली इट लुक्स लाइक दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन बट इट इज नॉट, आई विल एक्सप्लेन। यहाँ पे भी कॉन्ट्राडिक्शन लगता है, यू सी, अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो हीट शुड फ्लो, टेम्परेचर चेंज हो रहा है कि नहीं, हीट शुड फ्लो, बट हीट फ्लो इज नॉट अलाउड, यहाँ पे गिव एंड टेक एक्सचेंज ऑफ हीट इज नॉट अलाउड है ना, इजंट इट कॉन्ट्राडिक्टरी, इट अपरेंटली लुक्स बट इट इज नॉट, हाउ आई विल प्रूव इट राइट नाउ। ये दो स्टेटमेंट्स कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो ऐसा है, सिस्टम सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज करके भी खुद का टेम्परेचर कांस्टेंट रख सकता है, सिस्टम सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज करके भी खुद का टेम्परेचर कांस्टेंट रख सकता है, कैसे है ना, उसको दो कंडीशन सिर्फ सेटिस्फाई करना है। मान लो ये सिस्टम है, ये सिस्टम है अंदर, तो ये बाउंड्री है सिस्टम, ये बाउंड्री और बाहर जो है वो सराउंडिंग, और ये पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ऐसा मान लो दिस इज हीट, हीट अभी ऐसा दिखता है, ऐसा मान लेते हैं, अज्यूम करते हैं ये, दिस इज वन स्लॉट ऑफ हीट विच इज ट्रैवलिंग फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम, सिस्टम सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है विच इज लेट अस से 5 joules per second है ना। दूसरा स्लॉट क्वांटम ऑफ हीट अगेन 5 joules per second, थर्ड स्लॉट of heat is again 5 joules per second, ऐसे है, है ना, सिस्टम ये absorb करने वाला है heat, समझ में आता है, this is heat, ऐसे per unit time, per second, the amount of heat absorbed अगर constant रखा और साथ ही साथ जितना heat लिया पूरा अगर work में convert किया, अपने पास नहीं रखा, ये दो condition satisfy किया तो system अपना temperature constant रख सकता है। दो कंडीशन बोला मैंने, क्या बोला, ये सिस्टम सराउंडिंग से हीट ले रहा है, सपोज मैं सिस्टम हूं और मैं सराउंडिंग से हीट ले रहा हूं, और एवरी यूनिट टाइम जैसे 5 joules per second लिया है ना, और जितना लिया पूरा वर्क में डाला, जितना लिया पूरा वर्क में डाला, खुद के पास कुछ भी नहीं रखा, तो मेरा टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा। इसका उल्टा सोचते हैं, सपोज मैं हीट ले रहा हूं, मैं सिस्टम और सराउंडिंग से हीट ले रहा हूं, पहले सेकंड में 5 जूल लिया, फिर 10 जूल, फिर 2.5 जूल, फिर 1 जूल, फिर 5 जूल, ऐसा फ्लक्चुएट होगा, तो ऑब्वियसली मेरा टेम्परेचर कम ज्यादा होगा, करेक्ट होना। दूसरी बात, मैं कॉन्स्टेंट ले रहा हूं 5 joules per second, लेकिन वर्क में कन्वर्ट ही नहीं कर रहा हूं, अपने पास ही रखता हूं, तो ऑब्वियसली मेरा टेम्परेचर बढ़ेगा। आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, सपोज मान लो हमने स्विच ऑन किया और फैन जो है वो घूम ही नहीं रहा, या मिक्सर है वो घूम ही नहीं रहा, तो आप क्या बोलते हैं, वो बिगड़ गया, और हाथ लगा के देखते हैं वो गर्म हो जाएगा, क्योंकि आप एनर्जी तो दे रहे हैं लेकिन दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, वो मशीन अपने पास ही रखता है, इट इज नॉट कन्वर्टिंग दैट इनटू वर्क,
तो ऑब्वियसली वो गर्म ज्यादा, जिसको गर्म हो जाता है तो कॉमन मैन कहता है ये तो बिगड़ गया, गर्म हो गया गाड़ी का इंजिन, गाड़ी जब बंद पड़ जाती है ना, आप चाबी घुमा रहे हैं, आवाज आ रहा है, एक्सेलरेटर दबा रहे हैं, फिर गाड़ी आगे नहीं जाती है, इंजिन गर्म हो जाता है क्योंकि आप उसको एनर्जी तो दे रहे हैं लेकिन वो वर्क नहीं कर रहा। सो जितना एनर्जी को यूनिट टाइम सिस्टम ले रहा है वो कॉन्स्टेंट रखा, और जितना एनर्जी वो ले रहा है उतना पूरा वर्क में डाल दिया, तो वो एनर्जी का मतलब हीट का गिव एंड टेक करके, वो मतलब सिस्टम हीट का गिव एंड टेक करके किसके साथ सराउंडिंग के साथ करके भी खुद का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रख सकता है, ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। अब यहाँ पे देख लेते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो फिर हीट फ्लो होना चाहिए, लेकिन हीट फ्लो नहीं हो रहा है, हीट इज नॉट गेटिंग एक्सचेंज विद द सराउंडिंग सिस्टम, सराउंडिंग कई कर नहीं सकते, ये कॉन्ट्राडिक्टर भी लगता है लेकिन ये भी कॉन्ट्राडिक्टर नहीं है। कैसे, वापस इसको सिस्टम मान लो और ये सिस्टम का अपना हीट है ना, ये बाउंड्री है बाहर सराउंडिंग है, और प्रोसेस एडियाबेटिक है मतलब ये जो हीट है वो सिस्टम को छोड़ के सराउंडिंग की तरफ नहीं जा सकता, एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब ये हो गया, लेकिन हीट विद इन द सिस्टम तो ट्रैवल हो सकता है, सिस्टम के एक पार्ट से सिस्टम के दूसरे पार्ट तक फिर तीसरे पार्ट तक अंदर ही अंदर हीट घूमेगा तो सिस्टम का टेम्परेचर तो चेंज होगा, करेक्ट नॉट है ना, हीट फ्लो अलाउड नहीं लेकिन कॉन्सेप्ट तो अलाउड नहीं है, सिस्टम तो सराउंडिंग लेकिन विद इन द सिस्टम तो हीट है ना घूमते ही रहेगा, और उसकी वजह से सिस्टम का टेम्परेचर क्या होता है बढ़ता है। दिस इज द एक्चुअली प्रिंसिपल ऑफ अ रेफ्रिजरेटर, और रेफ्रिजरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ द गैस, उसकी वजह से कूलिंग होता है। कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ओके, अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई एम राइटिंग हियर, प्लीज रजिस्टर दिस, रेफ्रिजरेटर works on the principle of adiabatic expansion of gas, because adiabatic expansion of a gas causes cooling. Very, very, very important. Yaad rakhna, you know, it's a very important synopsis as far as your entrance exam is concerned. Refrigerator के अंदर पीछे से gas लाते हैं, अरे वो थोड़ा सा वार्म और हैवी होता है, नीचे की तरफ जाएगा, फिर जैसे ही एक्सपांड होगा दो चीजें होगी, तो हल्का होके ऊपर आने लगेगा और जैसे एक्सपांड होगा हीट बाहर देगा, लेकिन रेफ्रिजरेटर का दरवाजा बंद है इसके लिए हीट बाहर नहीं जाएगा, अंदर ही अंदर सर्कुलेट होके आपको अलग अलग लेवल पे अलग अलग टेम्परेचर देता है। आप जानते ही हैं रेफ्रिजरेटर के अंदर अलग अलग लेवल पे अलग अलग टेम्परेचर होना जरूरी है ना, यूनिफॉर्म टेम्परेचर रेफ्रिजरेटर के अंदर कुछ काम का नहीं है, क्योंकि जिस टेम्परेचर को दूध टिकेगा प्रेजर होगा उतने चिल्ड टेम्परेचर को शायद दूसरा सब्सटेंस सड़ जाएगा, करेक्ट ना, तो हर एक सब्सटेंस को प्रिजर्व करने के लिए एक टेम्परेचर नहीं हो सकता, मतलब अंदर अलग अलग टेम्परेचर होना चाहिए, टेम्परेचर शुड कीप ऑन चेंजिंग है ना, वो कैसे हो सकता है, एडियाबेटिक एक्सपांशन ऑफ गैस, अंदर गैस भेजते हैं एडियाबेटिकली एक्सपांड होता है, वैसे वो ठंडा होने लगता है, बाहर हीट देता है, उस हीट को हम बाहर जाने नहीं दे रहे, दरवाजा बंद है, इसके लिए हीट अंदर सर्कुलेट हो गया, आपको अलग अलग टेम्परेचर मिलेगा। वही रेफ्रिजरेटर का दरवाजा गलती से अगर खुला रह गया है ना, तो यूनिफॉर्म टेम्परेचर हो जाएगा रूम का टेम्परेचर और फ्रिज का, मतलब ये फ्रिज खराब हो गया, समझ में आता है, तो गलती से भी गर्मी होने लगी तो फ्रिज का दरवाजा ज्यादा देर तक खुला रखे ऐसा अच्छा लग रहा है क्या है ना, दो नुकसान होंगे कि एक तो रेफ्रिजरेटर खराब हो जाएगा, करेक्ट बना, समझ में, और खर्चा बढ़ेगा आपका, करेक्ट बना, अननेसेसरी। फायदा एक होगा कि यू कैन यूज दैट रेफ्रिजरेटर एज अ कबर्ड, आई एम जस्ट जोकिंग, बट कभी भी रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला रखेंगे तो उल्टा रूम जो है वो गर्म होने लगेगा थोड़ी देर बाद, है ना, आपका नुकसान होगा। याद रखना एडियाबेटिक एक्सपांशन, एडियाबेटिक मतलब हीट एक्सचेंज शुड नॉट बी अलाउड, इसके लिए दरवाजा फ्रिज का बंद होना चाहिए, एक्सपांशन ऑफ गैस होगा तो कूलिंग होगा डेफिनेटली। द फोर्थ पॉइंट जो मैंने पहले लिखा था वापस लिख रहा हूँ यहाँ पे, डेल्टा एच चेंज इन एंथाल्पी इज इक्वल टू जीरो प्रोवाइडेड प्रेशर शुड नॉट बी कॉन्स्टेंट, और यहाँ पे आएगा डेल्टा एच is not equal to zero, obviously इसका उल्टा आएगा,
चेंज एंथैल्पी जीरो मतलब एंथैल्पी रिमेंस कांस्टेंट, लेकिन ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। कैसे मैं अभी आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। ओके फॉर्मूला है अभी तक पढ़ने वाले हम लोग, डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी। ऐसा देखते हैं, डेल्टा मतलब चेंज ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम दोनों को लगा है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली प्रेशर कॉन्स्टेंट नहीं है, करेक्ट ना। और एक फॉर्मूला होता है दैट इज डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा पी, है ना, जिसमें प्रेशर कॉन्स्टेंट है, तो इसमें डेल्टा एच जीरो नहीं आएगा। अब मैं इसको आइसोथर्मल प्रोसेस अप्लाई करता हूँ, है ना, आइसोथर्मल प्रोसेस याद रखना, इसके बाद थ्रू आउट चैप्टर याद रखना। कोई प्रोसेस किसी फॉर्मूला को अप्लाई करने का मतलब क्या करने का, उस प्रोसेस में जो भी क्वांटिटी जीरो है वो सब्स्टिट्यूट करना। जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी जीरो होता है, लेकिन यहाँ पे डेल्टा टी तो है नहीं, डेल्टा यू जीरो होता है ना, वो तो अप्लाई हो सकता है कि नहीं, मतलब ये जीरो हो गया। इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन वन, ये हो गया इक्वेशन टू, करेक्ट ना। अब मान लो, है ना, आगे जाके कि सपोज हम लोग पी टू बी टू माइनस पी वन वी वन इज इक्वल टू जीरो लिखते हैं ना, व्हाट इज पी टू बी टू माइनस पी वन वी वन, क्या तो ऐसा कि डेल्टा पी वी, ये ऐसा होता है ना, पी टू वी टू माइनस पी वन। अब ये जीरो कब आएगा, है ना, जब पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू है, ऐसा आएगा कि नहीं, ऐसा कब होता है ना, वेन द टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट, ये तो लॉ है कि नहीं, है ना, इट इज बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ में क्या होता है, पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू, ऐसे ये इक्वल है, प्रोवाइडेड टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट। हम कौन सा प्रोसेस ले रहे हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या होता है कॉन्स्टेंट, मतलब ये दोनों क्या हो गया इक्वल, ये तो बॉयल्स लॉ है, तो ये दो इक्वल हो गया, तो इनका सब्सट्रैक्शन क्या आएगा जीरो, दिस इज इक्वेशन थ्री, करेक्ट ना। तो इक्वेशन टू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये जीरो है, इक्वेशन थ्री के हिसाब से डेल्टा पी वी भी जीरो है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, जीरो प्लस जीरो डेल्टा एच क्या हो गया जीरो, है ना, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस प्रोवाइडेड प्रेशर शुड नॉट बी कॉन्स्टेंट। वही प्रेशर अगर कॉन्स्टेंट होगा तो यहाँ पे अगर मैं आइसोथर्मल प्रोसेस लगाता, है ना, आइसोथर्मल प्रोसेस अगर अप्लाई करता हूं तो डेल्टा यू तो जीरो हो जाएगा, लेकिन पी डेल्टा वी, है ना, क्या होता है पी डेल्टा वी, इट इज पी वी टू माइनस पी वी वन, ऐसे आएगा, इट इज नॉट गोइंग टू बी जीरो, इट विल बी एक्चुअली नॉन जीरो, क्योंकि बॉयल्स लॉ ऐसा कुछ नहीं है ना, पी वी टू इज इक्वल टू पी वी वन, ऐसा कोई बॉयल्स लॉ नहीं है, मतलब ये नॉन जीरो रहेगा, तो डेल्टा एच विल नॉट बी जीरो, प्रेशर इज कॉन्स्टेंट। हेंस प्रूव्ड कि डेल्टा एच जीरो हो जाता है व्हेन प्रेशर इज नॉट कॉन्स्टेंट। ओके द नेक्स्ट पॉइंट हियर, वी हैव इन आइसोथर्मल प्रोसेस सिस्टम इज थर्मली आइसोलेटेड एंड हियर सिस्टम इज नॉट थर्मली आइसोलेटेड। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस आई कैन सी दैट सिस्टम इज नॉट थर्मली आइसोलेटेड, करेक्ट, वेर एज यहां पे सिस्टम इज थर्मली आइसोलेटेड, है ना, इजी है समझना। देखो यहां पे हीट एक्सचेंज अलाउड है क्या, यस, मतलब ही थर्मली नॉट आइसोलेटेड है, और यहां पे हीट एक्सचेंज अलाउड नहीं मतलब थर्मली आइसोलेटेड है। आइसोलेट करना मतलब इस तरीके से अलग करना होता है कि कोई गिव एंड टेक नहीं होगा, जैसे क्रिमिनल्स को उठा के जेल में डालते हैं, तो क्रिमिनल को मालूम नहीं कि बाहर क्या चल रहा है, बाहर के लोगों को मालूम नहीं अंदर क्या चल रहा है, उसको आइसोलेट कर दिया। वैसे यहाँ पे सिस्टम थर्मली आइसोलेटेड नहीं है क्योंकि वो सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज कर रहा है, जबकि यहाँ पे एक्सचेंज कोई गिव एंड टेक अलाउड नहीं है, मतलब सिस्टम इज थर्मली आइसोलेटेड। सिक्स्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, सिस्टम परफॉर्म्स वर्क बाय यूजिंग एक्सटर्नल हीट क्यू, और यहां पे सिस्टम परफॉर्म्स वर्क बाय यूजिंग इट्स ओन एनर्जी, मतलब डेल्टा यू। कैसे मैं आपको प्रूव कर देता हूं, इंटरनल मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसकी वजह से होगा। आई शैल प्रूव दिस। ओके एक लॉ है,
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का फॉर्मूला है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ऐसा करेक्ट करो, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब इसको मैं लिखने के लिए ऐसा भी लिख सकता हूं, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी, है ना, ये वर्क का एक फॉर्मूला है, करेक्ट है, जिसको मैं आगे जाके प्रूव कर रहा हूँ, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। फिलहाल यूनिट से प्रूव करता हूँ, प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर, डेल्टा वी इज मीटर क्यू, ये गया तो बचा न्यूटन मीटर, मतलब क्या बचा, जूल, जो यूनिट ऑफ वर्क है, तो ये वर्क का फॉर्मूला है, तो इसके चलते क्यू क्या हो गया, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ऐसे है ना, दिस इज वर्क डन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का स्टेटमेंट एक ऐसा है, उसके तो बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं, उसमें से एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ऐसा है, व्हेनेवर अ सिस्टम इज सप्लाइड सम हीट एक्सटर्नली दैट हीट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बाय द सिस्टम, वन पार्ट इज यूटिलाइज्ड टू रेज इट्स इंटरनल एनर्जी एंड द रिमेनिंग पार्ट इज यूटिलाइज्ड टू परफॉर्म वर्क, है ना, व्हेनेवर अ सिस्टम इज सप्लाइड सम हीट एक्सटर्नली सिस्टम डिवाइड्स दैट हीट इनटू टू पार्ट्स, one part is utilized to raise the internal energy and the remaining part is utilized to perform work. जो समझने के लिए मैं एक सिंपल सा एनालॉगी देता हूं, मान लो एक ऐसा पुराना एड आता था ग्लूकॉन डी का, है ना, ग्लूकॉन डी के उस एड में ऐसा वो ऑब्वियसली एनर्जी ड्रिंक है ना, एक आदमी थका रहा ऑफिस से काम करके घर पे आता है, उसका बेटा भाग भाग के आता है, बोलता है पापा स्लीपिंग, थोड़ा थका रहता है, बोलता है नो, वो बेटा बोलता है नो यू प्रॉमिस, अभी वो बेटे का प्रॉमिस फुलफिल करने के लिए वो आदमी क्या करता है, थकान दूर करने के लिए थोड़ा लेता है, लेता है मतलब ग्लूकॉन डी लेता है, वो एनर्जी ड्रिंक लेता है, है ना, अभी लेने से पहले मतलब ग्लूकॉन डी लेने से पहले वो थका हुआ था, ग्लूकॉन डी लेने के बाद उसको एकदम एनर्जेटिक होने लगा, मतलब डेल्टा यू हुआ कि नहीं, अभी ग्लूकॉन डी क्या है, बाहर से लिया हुआ एनर्जी, करेक्ट ना, तो पहले वो किसने कन्वर्ट हो गया, उसको थका हुआ था वहां से फ्रेश लगने में यूज हो गया, अभी अगर बचा तो वो स्विमिंग करेगा, स्विमिंग करेगा मतलब वर्क इज डन, तो जो हीट आप बाहर से देते हैं वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो खुद के मतलब के लिए यूज होता है और फिर बचा तो वर्क में लगता है, पूरा वर्क में नहीं लगता है, दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, राइट। अभी ये जो स्टेटमेंट है इसको हम लोग दोनों प्रोसेस लगाते हैं, सपोज आइसोथर्मल प्रोसेस, अभी आइसोथर्मल प्रोसेस में इसमें से क्या होता है, डेल्टा यू जीरो होता है, तो फिर क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू पी डेल्टा वी, मतलब फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस सिस्टम परफॉर्म्स वर्क, है ना, ये वर्क है एक्चुअली, है ना, बाय यूजिंग व्हाट, एक्सटर्नल हीट, है ना, अपना पॉइंट प्रूव हो गया, और एडियाबेटिक प्रोसेस इसी फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं, मैंने बताया था कि प्रोसेस अप्लाई करने का मतलब प्रोसेस के अंदर जो जीरो होता है वो डालने का, प्रोसेस में क्या जीरो है, Q इज इक्वल टू जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा यू विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस पी डेल्टा वी, है ना, ये अगेन वर्क है, तो फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस सिस्टम इज परफॉर्मिंग वर्क बाय द कंजम्पशन ऑफ इंटरनल एनर्जी, मतलब ये ऐसा बाय यूजिंग इट्स ओन एनर्जी, समझ में आता है, हेंस प्रूव रिलेट दी आइडल, कैन यू सी दैट, सिस्टम परफॉर्म्स वर्क बाय यूजिंग इट्स इंटरनल एनर्जी फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, राइट में एडियाबेटिक प्रोसेस लिखा है, एंड सिस्टम परफॉर्म्स वर्क बाय यूजिंग क्यू, ये पॉइंट हमने प्रूव कर दिया, दिस इज फॉर द डिस्टिंग्विश बिटवीन आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबेटिक प्रोसेस विद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सिनॉप्सिस। होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, प्लीज गिव द नोटिफिकेशन एंड प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, थैंक यू।